हमें एक फ्रेंड ने पूछा था, एसी का जो फिल्टर अगर ब्लॉक होगा क्या सच में आइस आता है फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से? तो उनके लिए वीडियो है, दे सकते रहेंगे या हम कवर खोलते हैं। अब देखते रहेंगे फिल्टर लगा हुआ, दो फिल्टर लगा हुआ है और कितना ज़्यादा फिल्टर के ऊपर मिट्टी चिपका हुआ है, दे सकते रहेंगे फुल मिट्टी चिपका हुआ है और यहाँ पर देख सकते आइस भी बाहर निकला हुआ है। इस तरह से पूरा एयर फिल्टर जो है, ब्लॉक होने से क्या होगा, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, देख सकते रहेंगे यहाँ से इसको हम निकाल रहे हैं, नहीं निकल रहा है क्योंकि फिल्टर के अंदर जो है आइस चिपक गया है। ठीक है, आइस इतना ऊपर हो गया था जो फिल्टर को चिपका रही है, देख सकते रहेंगे पूरा व्हाइट हो चुका है, पूरा इवापोरेटर कॉयल जो रहता है ना अंदर का फिन्स पूरा व्हाइट हो गया, दिख रहे हैं ब्लू रहता है, ब्लैक रहता है, जो भी कलर है मे भी, लेकिन ये व्हाइट हो गया है। क्यों व्हाइट जमा है? इसके ऊपर पूरा आइस जमा हुआ है। ये आइस जो है आपका बहुत दिन से चला रहेगा, मे बी थर्मोस्टेट प्रॉब्लम बहुत से हो सकते रहेंगे, लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर जो इस प्रॉब्लम है फिल्टर देख सकते रहेंगे यहाँ पे पूरा दो के दोनों साइड में पूरा फुल इतना मोटा काश्मीर जमा हुआ है, आइस जमा हुआ है। रीजन क्या है? आपका फिल्टर जो है फिल्टर ब्लॉक है। तो ये चीज़ आपको बता दें, अगर कोई सा भी एसी है फिल्टर इस तरह से गंदा रहेगा, कचरा रहेगा, ब्लॉक रहेगा, तो उसमें आइस जमता है, 100% जमता है। और भी बहुत से रीजन रहते हैं, लेकिन जिनका जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था जब फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से भी आइस जमेगा, तो उनके लिए वीडियो स्पेशली था। तो हमें इसको क्या करना होगा, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिल्टर निकालना होगा, निकाल करके इसे क्लीन करना होगा, साफ़ करना होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देख सकते रहेंगे कितना जमा हुआ है। कई बार अगर फिल्टर आपका सही है, क्लीन है, फिर भी अगर आइस जम रहा है वो टाइम में गैस का प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, तो उसे गैस चेक करेंगे। वो भी गैस हम कब चेक करेंगे, उसमें कई कंडीशन, सक्शन पाइप आइस जम रहा है या लिक्विड पाइप आइस जम रहा है, वो भी हम चेक करके करेंगे, नहीं पता है, दूसरा हमारा वीडियो बना हुआ है। तो आपको आउटडोर में दिखा देते हैं, ये सक्शन पाइप यहाँ पर जमा हुआ है, देख रहे हैं ये जो है एसी है, ये यहाँ पर दो पाइप रहता है ना, इंसुलेटेड है उधर, सामने देखते रहेंगे यहाँ पर दो पाइप दिख रहा है, पतला वाला पाइप सूखा है, ड्राई, उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, बट यहाँ पर क्या है, सक्शन पाइप पे मोटा आइस जमा हुआ है। रीजन क्या है आपका? गैस इसमें ठीक है, गैस इसमें है, जो रिटर्न पाइप आया है उसका आइस जमा हुआ है। क्यों आइस जमा हुआ है? क्योंकि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, धीरे धीरे गैस लिक्विड फॉर्म में गया है और वो पूरा लिक्विड यहाँ तक आ गया है, चिल्ड हो गया, ठंडा पाइप ठंडा हुआ है। और पाइप के ऊपर आइस क्यों जम जाता है? क्योंकि इंसुलेटेड नहीं रहता है, बाहर का जो नमी रहता है, हवा रहता है, उसके ऊपर टपक टकराता है और लिक्विड होने की वजह से, पूरा चिल्ड होने की वजह से पाइप उसके ऊपर धीरे धीरे लिक्विड में, वाष्प में, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, हवा और द्रव हो धीरे धीरे आइस का रूप ले लेता है कंटिन्यू ठंडा होने की वजह से। तो इसका प्रॉब्लम है, सोल्यूशन इसका यही है, फिल्टर को हमें खोल करके निकाल करके अच्छी तरह से क्लीन साफ रखना चाहिए, करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते रहेंगे फिल्टर पूरी तरह से साफ क्लीन रहेगा तो आपका एसी 100% चलेगा। टाइम से सर्विस कराते रहें या करते रहें, इससे इस तरह से आपका ऐसी भी प्रॉब्लम ना हो, कूलिंग ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आशा करता हूँ जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। अगर आप स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन से एसी सर्विस कराना चाहते हैं तभी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते रहेंगे, बहुत से हमारे स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन हैं जो आपके नियर बाई का जा करके सर्विस कर सकते रहेंगे। कौन से एरिया में हैं, कहाँ पर रहते हैं, अपना लोकेशन, डिटेल्स, एड्रेस जो भी है कमेंट में दीजिए, जिससे आपके लिए आप जा करके सर्विस कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।